नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है 15 जून 2018 का। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ से आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके हर एक चीज़ दे सकते हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो या करंट अफेयर, आपको सब मिलेगा वहाँ पे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फ़ोन की लिथियम आयन बैटरिया किस देश में ही बनेगी? हमारा ऑप्शन फर्स्ट है भारत, जापान, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सब में अगर चारों पढ़ लेने के बाद आपको सही आंसर ये है भारत। ये जो लिथियम आयन बैटरियाँ आप जो हैं भारत में ही बनेंगी। किसके तहत है? तो डिजिटल इंडिया के तहत ये बनने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस शहर में गाइडलाइन जारी की है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, केरल, गोवा, मुंबई, ये चार ऑप्शन है। जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। तो हमारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किस शहर में गाइडलाइन जारी की है? तो इसे दिल्ली में गाइडलाइन की है। लेकिन आपका प्लास्टिक बैग का जो था बैन लगना वो गोवा में हुआ था, इसे आपको ध्यान रखना होगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा है, ये रिवीजन हो मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये फिर से एक बार रिपीट हो गया है। हमें इनमें से किसने कैशलेस टिकट के लिए अर्सन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हमारा पहला है सूचना मंत्रालय, केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय, फिर CRIS। ये CRIS, इसे आप अच्छे से देख सकते हो, आपको समझ में नहीं आया तो। ये जो अर्सन मोबाइल ऐप है किसने लॉन्च किया मैं बता दूं, ये जो है CRIS ने लॉन्च किया इसे। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चार नंबर है, इनमें से किस बैंक ने इनमें से किस बैंक को FDI के जरिए 24,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? पहला बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, हमारा तीसरा है केनरा बैंक, फिर चौथा है RBI। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका HDFC बैंक। पांच नंबर क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसने बांध सुरक्षा विधेयक 2018 को मंजूरी दी है? पहला राज्य सरकार, दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, और तीसरा हमारा है RBI, चौथा है नीति आयोग। तो हमारा सही इसका आंसर है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा 2018 को मंजूरी दी है। तो ये सब करंट अफेयर आपको रटने की जरूरत नहीं होती, इसे आप पढ़ लिया करो एक बार। छः नंबर देखते हैं, हाल ही में किसने भिलाई इस्पात संयंत्र देश को समर्पित किया है? पहला है नरेंद्र मोदी, दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीसरा रामनाथ कोविंद, और चौथा जो है नीति आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, इनमें से किस तारीख को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर मैं बोलता हूँ, ये जो 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। हमारा क्वेश्चन नंबर आठ है, इनमें से कौन सी कंपनी 16,000 करोड़ का बायबैक कर सकती है? पहला है आरकॉम, दूसरा विप्रो, तीसरा TCS, फिर से एयरटेल। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा TCS। TCS जी जो है यही एक ऐसी कंपनी है जो कि 16,000 करोड़ का बायबैक कर सकती है, बाकी कोई कंपनी इसे नहीं करती थी, इसे कम का कर सकती है। फिर से आपको नौ नंबर, ये जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हो, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, कर देता हूँ। फिर से प्रश्न नौ देखो आप, 21वां वर्ल्ड कप शुरू होने से एक दिन पहले किस देश ने अपने कोच को हटाया है? पहला अमेरिका, जापान, भारत, स्पेन। भारत ने कभी ऐसा नहीं किया कि बीच में किसी का इंसल्ट नहीं किया। तो जहाँ तक आपका सही इसका आंसर हो जाएगा स्पेन ने ही आपको 21वें वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक दिन पहले जो अपने कोच को हटा दिया था। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहे हैं, हाल ही में किस कंपनी ने 48,600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया? पहला विप्रो, दूसरा आइडिया, तीसरा रिलायंस कम्युनिकेशन, और चौथा एयरटेल। आप सोच सकते हो 48,600 कर्मचारियों को एक ही बार में निकाल देने का मतलब इतने लोगों को बेरोजगार कर देना। तो ऐसा कौन सा कंपनी किया या
गेस करो थोड़ा देर के लिए, मैं जो बताऊँ फिर इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये जो 48,600 है दोस्तों, ये जिस कंपनी ने भी हटाया इतने कर्मचारियों को, वो टोटल उस कंपनी के 96% जो कर्मचारी थे, कितने 96%, अब मात्र उस कंपनी में 4% ही कर्मचारी रह चुके हैं इन चारों ऑप्शन में से जो भी हो। और लगभग वो 4% कितने हैं, 3,400 से लेकर 600, मतलब 3400 से 3600 कर्मचारी अब रह चुके हैं उस कंपनी में। तो वो कंपनी कौन है, तो वो कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन। दोस्तों ये जो आज के करंट अफेयर थे, 10 करंट अफेयर थे 15 जून के, तो इतना पे से एंड करता हूँ। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।